ये एरिथ्रीना का प्लांट, कोरल ट्री भी नाम है उसका, और ये इजीली ग्रो हो जाता है। इसको मैंने रिपोर्टिंग करते वक्त का वीडियो डाला था, और दो प्लांट लगाए थे, दोनों में मैंने यहाँ ग्राफ्टिंग की थी, उसका भी अपडेट देखेंगे क्या हुआ या नहीं। मैंने वायरिंग करके यहाँ से बैंड भी किया था, वो डायरेक्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ से थोड़ा ब्रेक हुआ था, तो पहले ट्रिमिंग करता हूँ। उसमें ट्रिमिंग ही एक प्रोसेस है जिससे हम इस प्लांट को ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ से काटा और दो ब्रांच निकल आई है, ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ भी एक ही ब्रांच आई है, तो मैं यहाँ से ही काटूँगा, और यहाँ से शायद कुछ ब्रांच निकल आए और कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर बन पाए। उसका हीलिंग बहुत ही अच्छी तरह से होता है, जहाँ से भी काटा हो वहाँ हीलिंग तुरंत ही हो जाता है, तो बहुत ही नेचुरल लुक आता है। तो मैं यहाँ से हटाऊँगा वायरिंग, तो देखूँगा सीजन हुआ है या नहीं। पहले वायर हटा दिया, अब देखते हैं यहाँ कुछ हुआ है या नहीं, क्योंकि मैंने ग्राफ्टिंग किया था। अगर ग्राफ्टिंग किया है तो तुम उसके ज़्यादा सेड़ेंगे नहीं, वायर ही कट कर देते। दिखाऊंगा तो मैं जब प्लास्टिक निकल रहा हूँ, देखते हैं क्या है, मुझे भी नहीं पता शायद हुआ या नहीं। मैंने दो प्लांट को फ्यूज करने की कोशिश की थी, फीलिंग तो अच्छा दिख रहा है मगर फ्यूजन नहीं हुआ, अपने आप में अलग होकर फ्यूजन नहीं हुआ। शायद कुछ दिक्कत हुई होगी कि दोनों साथ में नहीं रह पाए होंगे, वायरिंग के वक्त अलग हो गए होंगे, तो फ्यूजन नहीं हो पाया है। तो मैं उन दोनों प्लांट को साथ में नहीं रखूंगा अब, और उसको कुछ रोक के साथ अटैच करके कुछ नया स्टाइल दे सकते हैं, और देखने में यह भी अच्छा है, यहाँ स्प्लिट हुआ है इसलिए ये इसे ही डेवलप होता रहा तो भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ थोड़ा फिनिशिंग कर लूँ, चलो इसे ही छोड़ देते हैं, उसको अभी ग्रोइंग सीजन है तो थोड़ा ग्रो होगा। ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट में भी साथ में ही अच्छे लग सकते हैं, बाद में शायद कोई लैंडस्केप बनाया मैंने तो उसमें मैं उसका कटिंग इतना इजी है कि मैंने जो ब्रांच कटिंग की थी प्लांट में से वो भी लगा दी थी, वो भी हो गई है। और ये देखिए उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा है, बिना वायरिंग के भी हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ देखे तो हमें यहाँ कट कर दिया तो हीलिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है इस प्लांट में। यह देखिए ग्राफ्टिंग में भी कितनी अच्छी तरह से हीलिंग हुआ था, अगर ग्राफ्टिंग नहीं हो पाया शायद इसी स्पीड की वजह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।